नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। और इसमें हम चर्चा करेंगे निफ्टी की। एक नई चीज मुझे दिखी है और ऑब्जर्वेशन है कुछ, जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और आप इसको कह सकते हैं कि मेरा आगे आने वाले टाइम के लिए व्यू भी मैं मार्केट का आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अगर वीकली चार्ट लगाऊं तो उसमें आपको थोड़ा अच्छे से दिखेगा। ये आप देखेंगे तो मार्केट जो है वो एक, मुझे आज किसी ने शेयर किया है, ठीक है। इससे पहले जो मैं देख रहा था, मैं सिर्फ इतना ही चैनल बना के देख रहा था जिसके नीचे ब्रेकडाउन आने के बाद भी मार्केट ऊपर जा रहा, बट किसी ने टेलीग्राम पे मुझे पोस्ट किया, मैंने वहां पे इस चैनल को देखा, तो आई थॉट कि एक बार इसको स्टडी किया जाए, इसको देखा जाए। तो बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, हर एक वीक कंटिन्यूस 1, 2, 3, 4, 5 कंटिन्यूस 5 वीक्स ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। और लास्ट के 2 वीक 1 और 2, ठीक है, यहाँ पे इस वाली लाइन ने बहुत बढ़िया तरीके से सपोर्ट का काम किया। ये आपको यहाँ पे चार्ट पे दिख रहा होगा, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको डिटेल में पढ़ने के लिए डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ था ये रेजिस्टेंस, और ये जो टॉप लगा था 17,992, ठीक है। उसके बाद एक हमें बेहतरीन फॉल देखने को मिला, तो ये यहाँ पे सपोर्ट है, ये यहाँ पे सपोर्ट, ठीक है। और फिलहाल मार्केट चल रहा है आपका 17,829 की क्लोजिंग है, शायद इसके आसपास की क्लोजिंग। तो दोस्तों जब तक ये है यहाँ पे, अब इस चैनल की सबसे पहले तो आप देखिए विड्थ निकालिए, विड्थ कितनी बनती है, ठीक है। तो कहानी उसके बाद ही हम आगे पढ़ पाएंगे। जस्ट यहाँ पे मैं अगर देखूं, ये लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करूं, सॉरी, ये मैं नीचे लेके आया इसी कैंडल स्टिक पे, ये यहाँ मैंने टच करा लिया। इसको थोड़ी हम लकीर को मोटी कर लेते हैं, कर लेते, ठीक है। तो अगर ब्रेकडाउन मार्केट का आता है, नेक्स्ट वीक, तो ये इतनी रेंज का चैनल है भाई, 17,750 और नीचे 16,550 के आसपास, तो 1200 पॉइंट की इसकी रेंज है। इस चैनल की जो रेंज है, ये जो चैनल है हमारे सामने, ये 1200 पॉइंट्स का, तो फिलहाल तो ये मजबूत है भाई। पूरे वर्ल्ड मार्केट में जो क्रैक आया उसके बाद भी इसने संभाला हुआ है, ठीक है, उसके बाद भी इसने संभाला हुआ है। और फिलहाल ये अपने जो ये रेड कलर से लाइन आपको दिख रही होगी, ये इंडिकेट कर रही है इस चैनल का हाफ प्राइस, मतलब इस चैनल को जस्ट इक्वली हाफ में डिवाइड कर रही है। तो बहुत चांसेस है ये इसके ऊपर कोई देखिए चैनल में, हालांकि आपको कई बार बता चुका हूं। अब इसका जो टारगेट है ये लाइन के ऊपर, जो कल की कैंडल का लो है ना दोस्तों, जो कल की कैंडल का लो है 17,780, ये अगर सलामत रहता है तो आपका टारगेट नेक्स्ट वीक में 18,200 से लेके 18,300 है। बस ये आप समझ लीजिए, क्यों, क्योंकि अगर ये इसके ऊपर मेंटेन रखता है अपने आप को, इस लो को पकड़ के रखता है जो कि इसने फ्राइडे को बनाया है, तो ये जो चैनल का हाफ ऊपर जा रहा है ये इसको टच करने के लिए जाएगा, ये आप मान के चलिए। इस कोई दुनिया की, सॉरी ऐसा तो नहीं बोलना चाहिए, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, बट जैसे देखिए ये इसने यहां से क्रॉस किया, ऊपर का ये वाला टॉप काटा, तो ये जाके इसको इसने टच किया,
ठीक है, ऐसे ही इसने नीचे आया, यहाँ पे आया, जैसे ही ये वाला लो काटा इसने इसको जाके टच किया। अब क्या किया है इसने, ये यहाँ पे इसने ब्रेकआउट तो दिया है, ठीक है, इस चैनल के हिसाब से मैं बात करूं, बट एक रेड कैंडल बनी, एक रेड कैंडल बनी है जो कि कहीं से भी किसी भी प्रकार से इस चैनल के टच करने की हमको गारंटी नहीं देती कि मतलब हम कोई ट्रेड इनिशिएट करने की कोशिश करें। एक चीज हम ले सकते हैं, इसका लो पकड़िया 17,780, ये आप एसएल रखिए, अगर जो बुल है वो टारगेट है आपका 18,200 से लेके 18,300, क्योंकि एज पर टेक्निकल ये इस एटलीस्ट हाफ लाइन को टच करने के लिए जाएगा अगर ये फ्राइडे के लो को मेंटेन रख लेता है तो। अब नेक्स्ट वीक के लिए बहुत उम्दा किस्म का जो सपोर्ट निकल के आ रहा है एज पर दिस पैटर्न वो निकल के आ रहा है भैया, बात करते हैं जरा, ये लाइन की भी कोई जरूरत नहीं है, हमने चौड़ाई निकाल ली है, ये आ जाएगी आपकी 12 सितंबर की तारीख 17,690 के आसपास, और उससे अगले दिन सपोर्ट बढ़ के हो जाएगा 740, उससे अगले दिन सपोर्ट बढ़ के हो जाएगा 780, उससे अगले दिन सपोर्ट बढ़ के हो जाएगा 820। तो ये है 15 सितंबर तक का कहानी, आप मोटा मोटा अगर देखेंगे ये दिख जाएगा आपको, लेवल आपके राइट साइड में बिल्कुल स्क्रीन पे आ जाएंगे। ये 9 तारीख है। अब चलते हैं हम जरा यहाँ पे, तो भैया 680-690 ये जो जोन है, तो आप एक लेवल नोट करके रखिए दोस्तों, जो लास्ट सपोर्ट नेक्स्ट वीक के लिए बहुत ही मतलब 17,780 ये है S1 लास्ट वीक के लिए बुल्स के लिए, एंड S2 और ये सबसे बड़ा सपोर्ट है जो कि ये वाली लाइन का मैं आपको बता रहा हूं, ये 17,680, इसके नीचे की कोई भी क्लोजिंग इसका ब्रेकडाउन दे देगी, इस चैनल का ब्रेकडाउन दे देगी, और हमको फिर देखना है अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो पोजिशनली मार्केट 1200 पॉइंट टूटना चाहिए, 1200 पॉइंट टूटना चाहिए जितना कि ये चैनल, एटलीस्ट 600 पॉइंट टूटना चाहिए, हाफ का टारगेट डेफिनेटली मिलता है, एटलीस्ट 600 पॉइंट टूटना चाहिए। अगर ये ब्रेक होता है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है 17,600, ठीक है, और ये फ्राइडे का अगर लो इसने संभाल के रख लिया 17,780, तो बहुत चांसेस है ये ऊपर जाएगा और इस हाफ लाइन को टच करेगा एज पर टेक्निकल के नियम से, हमें जहां पे 18,300 देखने को मिल सकता है। ये मैं सिर्फ मंडे से लेके फ्राइडे की बात कर रहा हूं आपके लिए, तो आप बुल बने रहिए 17,780 के ऊपर। अब मैं आपको समराइज कर रहा हूँ चीज, ट्रेड कैसे लेना, ठीक है, इस वीडियो की समराइज कर रहा हूँ ट्रेड कैसे लेना। इस लेवल के ऊपर बी ऑन बाई साइड, इसके नीचे सेल करिए इंट्राडे बेसिस, ठीक है, तेजी भी आपको इंट्राडे करनी है, पोजिशनल नहीं करनी है, इसके नीचे सेल करिए, आपका टारगेट 17,735, इसके भी नीचे 17,680, बस ये पहला टारगेट, ये दूसरा टारगेट अगर इस लेवल के नीचे निफ्टी जाता है तो। दूसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट, 17,680 इसके बिलो मार्केट अगर 15 से 20 मिनट रुक जाता है, 15 से 20 मिनट रुक जाता है, आप पोजिशनल सेल का कॉल लीजिए, पोजिशनली सेल कीजिए। अब कोई पूछता है पोजिशनली सेल कैसे करें, अरे भैया सितंबर चल रहा है, अक्टूबर की कोई पुट ले लो 17,400 की ले लो, 17,500 की ले लो, ठीक है,
एसएल क्या रहेगा आपका, एसएल क्या रहेगा, मार्केट दोबारा घूम के इसी लेवल के ऊपर क्लोज तो नहीं कर देता, बस ये है आपका ट्रेड करने का तरीका, सिंपल सी बात है। हाँ, अब आप पूछेंगे टारगेट क्या रहेंगे, बाय साइड रहने के, अगर ये लेवल ही नहीं टूटता, इसके ऊपर ही मार्केट रहता है, तो बाय साइड के टारगेट क्या रहेंगे। टारगेट है भैया सबसे पहला 17,865, दूसरा टारगेट है 17,910, तीसरा टारगेट है 17,960 से लेके 17,980 के बीच, इस जोन में प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपको मिलता है सी साइड का प्रॉफिट बुक, फर्दर तेजी आपको फिर 18,025 के ऊपर करनी है, 18,025 के ऊपर करनी है, इसके ऊपर निकले तो फिर अगेन बाई साइड की गाड़ी में बैठिएगा, टारगेट आपका 18,200, 18,300 है, बस इसके ऊपर निकलता है तो यहां पे जरूर प्रॉफिट बुक करना आपको 960 से 980 के बीच। ये फिर व्यू कल मैंने आपको मंडे से ट्यूसडे के, मंडे से लेके फ्राइडे तक के बीच में किस प्रकार से ट्रेड करना है। बाकी पोजिशनल व्यू दोस्तों मैं थोड़ा रेस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ अपने आप को, मेरा क्या मानना है, देखिए 680 का लेवल जो हो गया है कुल मिला के यही डिफाइन करने वाला है कि मार्केट करेक्ट, देख लीजिए आप किस प्रकार से ये काम कर रहे हैं। जब तक निफ्टी इसके ऊपर है निफ्टी विल बी ऑन बुलिश साइड ऑन, मतलब या कह लीजिए आप बाय ऑन डिप्स, अगर आप सेल कर सेल नहीं करना चाहते, ये देखिए रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, एक क्लोजिंग ऊपर आई बट टिका नहीं, देन रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ये यहाँ पे आया ऊपर, नीचे इसको टच किया फिर ऊपर, तो अल्टीमेटली 17,680 क्लोजिंग बेसिस ब्रेकडाउन का लेवल, इसके नीचे क्लोजिंग आएगी हम डेफिनेटली 17,500 और 17,400 की तरफ एटलीस्ट अपने कदम बढ़ा देंगे, यहां तक आने की, ये लेवल तक आने की, 17,500 से लेके 17,400 के बीच। तो इतना ही है दोस्तों फिलहाल, वीडियो पोस्ट करता हूँ, बैंक निफ्टी में कुछ दिखेगा तो वहां भी बताऊंगा, एंड थैंक्स ये चार्ट जिसने मुझे भेजा था, थैंक्स टू हिम, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन तरीके से इसके अंदर निफ्टी मूव कर रहा है। हाँ जरूर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी है, डेली प्राइस एक्शन अगर मैं देखता हूँ तो मुझे तो डिस्ट्रीब्यूशन ही लगता है, बट FI की फिर बाई की फिगर आती है शाम को, हाँ कौन से सेक्टर में क्या बाई कर रहे हैं, इसके ऊपर खुल के नीचे आया, यहाँ भी नीचे जाके लास्ट में बाइंग आई, ये भी एक डोजी टाइप की कैंडल थी और ये तो खुला ही गैप डाउन। कोई भी दिन मुझे इस ये वाला दिन छोड़ के और एक ये वाला दिन छोड़ के, ये ट्यूसडे था और ये जो दिन था ये वाला, ये दो दिन छोड़ के मुझे स्क्रीन पे कभी बाय लगा नहीं मार्केट में ही कोई बाय कर रहा है, मैं एक्सपीरियंस हूं, मैं गलत साबित हो सकूं, हो ही रहा हूं भाई, डेटा आ रहा है, डेटा तो बहुत तगड़े कैश की बाइंग का आ रहा है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट है, बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टी है, कैश में FI दबा के बाई कर रहे हैं और डेरिवेटिव्स में FI दबा के सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कैश में जो FI बाई कर रहे हैं ये बिल्कुल डेफिनेटली अलग FI है, जो डेरिवेटिव्स में सेल कर रहे हैं ये डेफिनेटली FI अलग FI। अब FI भी तीन चार जगह से काम करते हैं इंडिया के अंदर, एक मॉरिशस से काम करते हैं ये इन बाबूजी के काफी चहेते हैं, फिर एक सिंगापुर से भी अपने यहाँ मार्केट में पैसा आता है, ये भी FI कहलाएंगे बाहर से अगर आएंगे, देन बाकी एक यूरोपियन और US मार्केट जो पूरे वर्ल्ड मार्केट में एक्टिव रहते हैं, एक ये FI है। अब यहाँ पे 2,000 करोड़ 3,000 करोड़ की जो बाइंग कर रहे हैं, डोंट नो कौन बाई कर रहा है क्या बाई कर रहा है, बट डेरिवेटिव्स में FI का सेटा FI का जो डेटा है, जो फ्यूचर एंड ऑप्शन का डेटा है वो बेयरिश है। तो कुल मिला के जब चीजें समझ में ना आए कुछ में ना आए,
लेवल्स को ही फॉलो करिए। अल्टीमेटली ट्रेडिंग आपकी लेवल्स पे ही होती है, अल्टीमेटली आपके ब्रेकआउट लेवल्स पे ही होते हैं, अल्टीमेटली आपके ब्रेकडाउन भी लेवल्स पे ही होते हैं। और पैटर्न जरूर पकड़िए, क्या पैटर्न बन रहा है, जैसे यहाँ इस चैनल के अंदर ही फॉलो कर रहा है और ये कहीं से भी ब्रेकआउट कैंडल नहीं है, ठीक है। और ये मैंने आपके साथ चार्ट एक शेयर भी किया था जो कि ऐसे था, वो भी एक बहुत बढ़िया चैनल है। बट ये लंबा व्यू अगर आपको मतलब मार्केट में बड़े टाइम फ्रेम में देखना है तो इस चैनल को ड्रॉ करिए और इसको लगा के रखिए अपने कई चार्ट। चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, वीडियो पोस्ट करते हैं।